छत्तीसगढ़ में भी अब देश की सबसे आधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ती नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11 दिसंबर को नागपुर में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को बिलासपुर के लिए रवाना किया, जो गोंदिया राजनांदगांव दुर्ग होते हुए राजधानी रायपुर पहुंची, जहां इस ट्रेन का ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान स्टेशन में बीजेपी सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। निश्चित तौर पर वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से छत्तीसगढ़ के यात्रियों को लाभ मिलेगा। वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन को पूरी तरह से वातानुकूलित बनाया गया है। इसमें 1128 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं। यह ट्रेन 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर होती है। इसमें मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक गेट लगे हैं। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्रेन के प्रत्येक कोच में LED स्क्रीन वाईफाई लगाए गए हैं, जिस पर सूचना प्रसारित की जाएगी। ट्रेन में यात्री चेयर 360 डिग्री मूवमेंट करेगा। इस तरह से यात्रियों की सुविधाओं का काफी ध्यान रखा गया है। देखिए रायपुर से महेश कुमार साहू की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भी अब देश के में सबसे बड़े आधुनिक ट्रेन वंदे भारत ट्रेन अब छत्तीसगढ़ के पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर से हरी झंडी दिखाकर बिलासपुर के लिए रवाना कर दिया है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और ये ट्रेन वंदे भारत ट्रेन पहुँच चुकी है। आप देखेंगे यहाँ सभी के चेहरे में मुस्कान है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। आप देखेंगे थोड़ी देर में ट्रेन आ चुकी है। यहाँ तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो पहुँचे हुए हैं। आप देखेंगे इसकी खासियत ये है कि यहाँ 52 सेकंड प्रति घंटा की रफ्तार से 100 किलोमीटर दौड़ती नजर आएगी। ये सीधे तस्वीर आपको News+21 से आपको दिखा रहे हैं। देखिए भीड़ में लगभग सैकड़ों के तादाद में नजर आएंगे आपको। उत्सुकता सभी के चेहरे में आप देखेंगे। वंदे भारत ट्रेन पूरी पहुंच चुकी है। आप देखेंगे आप छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इसका स्टॉपेज बनाया गया है दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर चलेगी। आप देखेंगे पहुंच चुकी है सभी ढोल नगाड़े के साथ बिलासपुर साथ स्वागत किया जा रहा है। हर स्टॉपेज पर भाजपा के नेता व कार्यकर्ता के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आप देखेंगे कि लगातार स्वागत की जा रही है। ट्रेन पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे सभी तरह आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। वंदे भारत पहुंच चुकी है ट्रेनें। वंदे भारत देश की आधुनिक ट्रेनें हैं। वंदे भारत ट्रेन की बात की जाए तो इस ट्रेन में पूरी तरह से वातानुकूलित बनाया गया है। इसमें 1128 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं। यह ट्रेन 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रफ्तार होती है। इसमें मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक गेट लगे हैं। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। स्क्रीन में भी वाईफाई लगाए गए हैं, जिससे सूचना प्रसारित की जाएगी। ट्रेन के यात्रियों के लिए चेयर 360 डिग्री मूवमेंट करेगा। इस तरह से यात्रियों को सुविधाओं का काफ़ी ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरीके से सुविधा दी गई है। आप देखेंगे हर जगह से इनके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ देख रहे हैं। यहाँ भाजपा के तमाम नेता पहुँचे हुए हैं। हम सीधे तौर पर आप बैठेंगे यहाँ पर। आप ट्रेन में ही बैठे हैं।